हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फ्रेश टेक न्यूज में। दोस्तों यहां पर पहली न्यूज आ रही है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और यहां पर माइक्रोमैक्स ने एक नया फोन लॉन्च कर दिया है मार्केट के अंदर। उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च किया था माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी, जो कि था बेजललेस स्मार्टफोन। अब यहां पर एक नया इसका वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी प्रो। अब ये भी बेजल लेस है। अब यहां पर इस फोन की खासियत है कि यहां पर आपको फ्रंट में ड्यूल कैमरा मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल का एक लेंस मिलता है, और एक लेंस मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, और रियर कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। अब यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 430। यहां पर आपको इस फोन के अंदर जो स्क्रीन मिलती है वो है 5.7 इंच की स्क्रीन, और जैसे कि फोन बेजल लेस है तो यहां पर आपको HD रेजोल्यूशन इसका मिल जाता है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 13,999 रुपए, और ये आपको मिलेगा 6 दिसंबर से फ्लिपकार्ट की साइट पे। दोस्तों यहां पर अगली न्यूज आ रही है एयरसेल की तरफ से, और यहां पर एयरसेल कुछ नया करने जा रहा है। वो आपके लिए लाने वाला है एक एंटीवायरस आपके स्मार्टफोन्स के लिए, और उसके लिए वो पार्टनरशिप करने जा रहा है एवास्ट एंटीवायरस के साथ में। और उसके बाद में सिंपली आपको मिलेगा एक एयरसेल का एंटीवायरस और एयरसेल का क्लीनर, जिसे आप यूज़ कर पाओगे माई एयरसेल ऐप के अंदर जाकर। और उसके लिए जो है आपको पे करना होगा 30 रुपये पर मंथ, या फिर अगर आप पूरे साल का ऑफर लेते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा 205 रुपये। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये सब कुछ जो है इम्पैक्ट डाल पाएगा लोगों पर, जो कंज्यूमर्स हैं। क्या आप में से जो लोग हैं, आप लोग जो हो, सच में चाहते हो एक एंटीवायरस आपके फ़ोन के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ़ोन के अंदर एंटीवायरस अगर आप डाल भी लोगे तो वो कुछ हेल्प करेगा। वैसे तो एवास्ट का काफ़ी नाम है, और पीसी के अंदर तो काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी यूज़र्स हैं एवास्ट के, बट जो एयरसेल करने जा रहा है वैसे तो काफ़ी किफ़ायती दामों पर आपको मिलेगा, 30 रुपये पर मंथ और साल का 205 रुपये। बट देखने वाली बात यही होगी कि कितने लोग उसे यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगली न्यूज़ आ रही है नोकिया की तरफ से, और यहाँ पर नोकिया 3 के अंदर जो है आपको जल्द ही ओरियो अपडेट देखने को मिलेगा। अब माना यह जा रहा है कि इस वीक के अंदर या फिर अगले वीक में जो है आपको ओरियो अपडेट मिल सकता है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या सच में जो ये बातें हो रही है तो ओरियो अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, या फिर अगले साल ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर आ रही है जियो और गूगल की तरफ से, और यहाँ पर गूगल जियो फोन के लिए लेके आया है गूगल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने अपने एक इवेंट के अंदर इस बात की पुष्टि कर ली है कि गूगल ने एक ऐसा गूगल असिस्टेंट डेवलप किया है जो कि जियो फोन को सपोर्ट करे, यानी कि उसके ओएस के लिए जो है एक नया ही गूगल असिस्टेंट जो है वो रेडी किया है। तो आपको जियो फोन के अंदर अब आने वाले टाइम में गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, और जियो फोन एकमात्र ऐसा फीचर फोन होगा जिसके अंदर सबसे पहले गूगल असिस्टेंट आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगली न्यूज़ आ रही है फेसबुक की तरफ से, और यहाँ पर फेसबुक ने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो कि है मैसेंजर फॉर किड्स। और ये एप्लीकेशन केवल बच्चों के लिए है, वो है 6 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर बच्चों को अपना एक फेसबुक अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना फेसबुक अकाउंट के भी उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। बट एक्चुअल में ये ऑथेंटिकेशन जो रहेगा वो पेरेंट्स के पास में रहेगा, पेरेंट्स को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी कि उनके यूजर नेम पासवर्ड से उनको ओपन करके, और बच्चे के लिए एक अलग से प्रोफाइल बनानी होगी ताकि बच्चा उस एप्लीकेशन को यूज कर पाए। अब यहां पर बच्चा काफी सारी एक्टिविटी कर सकता है, वहां पर गेम्स खेल सकता है, ऐसे वीडियोस मिलेंगे एजुकेशनल रिलेटेड, और उस ऐप में किसी भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, और जो डेटा बच्चों का होगा वो किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा कहीं पे भी। दोस्तों यहां पर अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से, और यहां पर गूगल ने अपनी एप्लीकेशन गूगल मैप्स के अंदर एक नया अपडेट जो है वो पब्लिश किया है, और उस अपडेट के तहत आपको मिलेगा गूगल मैप्स के अंदर एक नया मोड जो कि होगा टू व्हीलर्स मोड, यानी कि अब आप जो है टू व्हीलर्स मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये स्पेशली इंडिया को देखकर ही बनाया गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी जगह जो है ऐसी है जहां पर टू व्हीलर्स के साथ ही जाना पड़ता है, ना कि फोर व्हीलर के साथ। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये अपडेट जो है हम लोगों को कब तक मिल जाएगा। एक्चुअल में ये अपडेट रिलीज़ हो चुका है, और शायद आप लोग अगर चेकआउट करेंगे अभी गूगल मैप्स को अपडेट करेंगे तो ये अपडेट आपको देखने को भी मिल जाएगा, यानी कि ये मोड आप यूज़ भी कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पर सैमसंग का जो एक फ़ोन है गैलेक्सी J7 Prime, उस पर आपको 2,000 रुपये की छूट मिल रही है, यानी कि 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा है फ़ोन। आपको मिलेगा 13,900 रुपये के अंदर। अगर आप लोग खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। मेरे
हिसाब से काफी अच्छी डील है। वेल दोस्तों, इस टेक न्यूज के अंदर बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं गौरव आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।